अब दोस्तों चलो जल्दी से उस इवनन के घर पे चलते हैं, क्योंकि गाइस हमने पिछली बार उस इवनन के घर से सिर्फ 2 मार्क्स जोड़े थे और इस बार तो हमें वो 3रा मार्क्स भी जोड़ना होगा और हमें वो जल्दी से जल्दी करना होगा। अरे सिंचन ये तुम क्या कह रहे हो, ये तो तुम उसी की बात कर रहे हो ना जो हमारे सर पे हथौड़ा मार देती है और हमारा सर फाड़ देती है। मुझे तो बहुत डर लगता है उससे, वो तो एकदम पागल से। और हम पिछली बार गए थे तो हमने सिर्फ 2 मार्क्स जोड़े थे, इस बार तो हमें वो 3रा मार्क्स भी बहुत जल्दी ढूंढना होगा और उस मार्क्स की ही मदद से हम अपने दोस्तों को भी बचा पाएंगे अपने लास्ट एपिसोड में इस इवनन के। और गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि गाइस हमें आपकी सब्सक्राइब की और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो गाइस जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। हाँ दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाए। तो दोस्तों चलो जल्दी से चलने के लिए मैं एनीवेयर डोर निकालता हूँ और चलते हैं उससे सीधा इवेलिन के घर पे। एनीवेयर डोर, चलो दोस्तों चलते हैं। ए डोरी मोन, यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है और ये इवेलिन भी पागल सी। और ये देखो गाइस यहाँ पे हमारा नाम लिखा आ रहा है चैनल का। तो चलो गाइस जल्दी से यहाँ से चलते हैं और मुझे तो बहुत डर लग रहा है इसके अंदर क्या है, मैं 1 मिनट देख लेता हूँ। अरे इसके अंदर तो एक जूता पड़ा है, पता नहीं किस काम का है वो। अरे गाइस ये देखो यहाँ पे तो कॉइन्स पड़े हैं, जल्दी से ले लेते हैं इसको और इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है हमें। नोविता तुम कितने चोर हो, इवेलिन के घर से तुम पैसे चुरा रहे हो, पागल हो क्या? वो देखो इवेलिन तुम्हारे सामने देखो क्या कर रही है, हमें इसको मारना चाहिए। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है इस पे, क्योंकि इसने हमारे दोस्तों को किडनैप करके रखा हुआ है, यानी कि बहुत सारे बच्चों को अपने पास किडनैप करके उनको मजदूरी करवाती है उनसे और खुद पे खुद पैसे कमाती है। अब दोस्तों ये देखो ये कितना पैसा कमा के भी फिर भी अपना स्कूल का रंग कैसे कर रखी है, इसको एक पेंट निकलवा देना चाहिए ताकि इसका स्कूल का रंग और भी अच्छा हो जाए और हमें इसके अंदर घुसने में बहुत मजा आए। और गाइस इसके अंदर देख लेते हैं, अरे ये क्या, इसके अंदर तो हमें कुछ नहीं मिल रहा। चलो गाइस जल्दी से ऊपर चलते हैं और ऊपर जाके देखते हैं हमें क्या मिलता है। ओह दोस्तों ये देखो ये दरवाजा तो यहाँ से बंद है, चलो गाइस जल्दी से यहाँ से चलते हैं। और गाइस ये देखो ये सामने कुछ दिख रहा है, हमको इसको खोलना होगा। हमने इसको खोला पर इसके अंदर तो कुछ नहीं मिला, 1 मिनट इस डोर को भी खोल देते हैं। अरे इसके अंदर तो हमें कार्ड विद 4 नंबर है। चलो गाइस हमें इसकी अभी कोई जरूरत नहीं, चलो गाइस जल्दी से यहाँ से चलते हैं। और ये पता नहीं कौन सा दरवाजा है। अरे गाइस ये देखो ये तो किचन है इसका, इसमें पता नहीं क्या क्या रख रखा है, मुझे तो बहुत अच्छा अजीब सा लग रहा है। अरे गाइस हम इसके घर से कैसे निकलेंगे, इसने तो इतनी सारी जगह बंद करके रखी है। अरे ये क्या चीज़ है, यहाँ से तो हमें कुछ मिल गया। अरे गाइस ये देखो हमको ग्रिल मिल गई और ये पता नहीं क्या छोटी सी तार है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नोविता हम इसको यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी पूरे के पूरे स्कूल में और तब हम वो गेट भी खोल पाएंगे जो बंद हो रखे हैं। चलो गाइस जल्दी से इसको खोलते हैं, इसके अंदर तो हमें कुछ नहीं मिल रहा। गाइस ये हमें ग्रिल मिल गया, चलो इसको लेकर चलते हैं सीधा नीचे की तरफ यहाँ से इस टूटे जगह से। पता नहीं मैं सीधा गिर पाऊंगा या नहीं। ये देखो गाइस हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे पता नहीं क्यों आग लगा रखी है इसने, पागल सी ने। लगता है यहाँ पे ये कुछ मीट मूट पकाती होगी खाने के लिए या खाना खुना। चलो गाइस जल्दी से यहाँ से चलते हैं और यहाँ से हम सीधा अपने कमरे में पहुँच जाएंगे। ये देखो गाइस हम अपने कमरे में आ गए, अब इसे खोलते हैं और सीधा इसके अंदर चलते हैं, क्योंकि इसी के नीचे ही हमको ये ग्रिल का इस्तेमाल करना है और हमें कोई टास्क मिलेगा जिसकी मदद से हम पूरा करके उसको और हम जा सकते हैं अपने उस नए मार्क्स को ढूंढने, यानी कि 3rd मार्क्स का पीस हमें मिल जाएगा। तो गाइस हम यहाँ पे आ गए हैं, चलो जल्दी से इसे यहाँ पे रख देते हैं और ये है हमारा मार्क्स जिसको हमको कंप्लीट करना है, हमारे सामने है एकदम। तो गाइस चलो हम जल्दी से इसको रख देते हैं यहाँ पे बिना देर किए। हाँ गाइस इसको रखने के बाद हमें एक टास्क मिलेगा जिसको अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें 1 मार्क्स का पीस मिल जाएगा। तो गाइस देखते हैं हमें चैलेंज मिलता है, तो गाइस जल्दी से देखते हैं। और गाइस ये पता नहीं कौन से डायमेंशन का टीवी है, मतलब कि ये मुझे लग रहा है कि 22nd सेंचुरी का है, मतलब ये अजीब सा ही है और पता नहीं कैसे ये हमें टास्क देता है अपने आप ही। तो गाइस अभी हमें मिस्ट्री ऑफ सिमेट्री सॉल्व करना है, ये हमारे टास्क है, हमको मिस्ट्री ऑफ सिमेट्री सॉल्व करना है। तो गाइस जल्दी से इस सेफ की को उठा लेते हैं और सीधा चलते हैं और गाइस इसको एक बार देख लेते हैं। गाइस ये पता नहीं कौन सी जगह है, ये तो मुझे, हाँ गाइस मुझे याद आया, ये तो प्लेग्राउंड की जगह है। और गाइस ये देखो अभी हमने इसकी सिर्फ 2 मार्क्स के पीस जोड़े हैं और हमें 3rd मार्क्स का पीस अभी ढूंढना होगा। तो गाइस जल्दी से चलते हैं उस 3rd मार्क्स के पीस को भी ढूंढने के लिए, सीधा यहाँ से चलते हैं जल्दी से ऊपर की तरफ और ऊपर कहीं वो इवेलिन ना हो वरना वो हमारी चटनी निकाल देगी। अरे डोरेमोन ये मिस्ट्री ऑफ सिमेट्री क्या होता है, मुझे तो कुछ नहीं पता, ये पता नहीं कौन सा टास्क हमको मिल गया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ये पता नहीं हम कैसे करेंगे और कहीं वो इवेलिन बीच में आके हमें मार ना दे। चलो गाइस जल्दी से इस स्विच को दबा के यहाँ से रास्ता खोल देते हैं और जो जो रास्ते बंद थे वो भी खुल जाएंगे। तो चलो गाइस जल्दी से ये खुल गया रास्ता, इसके अंदर भी हम चल लेते हैं और देखते हैं उस कमरे
में जाके कि यहाँ पे क्या है। एक मिनट, ये तो बाथरूम है, मैं कमरा बोल रहा था। कोई बात नहीं दोस्तों, हम यहाँ पे चलते हैं। और अब यहाँ से हमें इस प्लेग्राउंड की जगह में जाना होगा जहाँ पे हमको एक टूटा हुआ कुछ दिख जाएगा। ओ गाइस ये देखो, ये पता नहीं क्या टूट रखा हुआ है। एक मिनट इसके अंदर जाकर देखता हूँ मैं कैसा है अंदर का सीन। अरे गाइस मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये देखो यहाँ पे तो बनने लोगों को मार के जमीन में गाड़ दिया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये देखो यहाँ पे पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यहाँ पे शायद से हमको कुछ लगाना होगा। एक चांद है और एक सूरज और एक पता नहीं बीच में क्या चीज़ है। मुझे तो लग रहा है ये चांद है, सूरज है और बीच में हमारी धरती है। तो गाइस मुझे लग रहा है यही करना होगा हमको, चांद सूरज और धरती को ढूंढ के लाना होगा। मैं ये की यहाँ पे फेंक देता और यहाँ से जल्दी से निकल लेता। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं क्या खतरनाक सीन हो रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये 6 और यहाँ पे 00 क्यों लिख रखा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। डोरेमोन तुम्हें क्या पता है यहाँ पे कि ये क्यों लिख रखा है? हाँ नोबिता, मुझे लग रहा है ये इसलिए लिख रखा होगा क्योंकि गाइस हमने वहाँ पे एक क्लॉक देखी थी जो जमीन पर क्लॉक थी। तो गाइस वहाँ पर चलते हैं और शायद उसमें हमको 6 बजाने होंगे। तो गाइस जल्दी से इसको खोल देते हैं, इसे खोल देते हैं जल्दी से, पकड़ में नहीं आ रही। पता नहीं इस यहाँ पे इसने तेल क्यों लगा रखा। और यहाँ पे देखते हैं हमको ये बटन मिल रखा है। तो गाइस जल्दी से ये दबाते हैं, हमें 6 बजाना है। तो ये मैंने 6 बजा दिया और पूरा 6 बज गया। तो गाइस जल्दी से इसको ऑन कर देते हैं। और गाइस अब हमें ये मिल गया, अब देखते हैं इसके अंदर से हमें क्या मिलता है। तो गाइस इसके अंदर से हमें मून स्टोन मिल गया। चलो गाइस जल्दी से इसको लेकर चलते हैं और वहाँ पे लगा देते हैं ताकि वहाँ से वो रास्ता खुल जाए। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो गाइस जल्दी से यहाँ से चलते हैं और जल्दी से यहाँ पे हम आ चुके हैं। और गाइस जल्दी से इसको अब लगा देते हैं यहाँ पे और ताकि जल्दी से ये खुल जाए। तो गाइस हमने 3 में से 1 स्टोन पीस हमने ढूंढ दिया है। अब हमें 2 और स्टोन पीस चाहिए। अब पता नहीं वो दो और स्टोन पीस पता नहीं कहाँ से मिलेंगे, हमें वो ढूंढना पड़ेगा। हे डोरेमोन और नोबिता, तुम लोग डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा उस ईवल नन से। अगर वो ईवल नन आएगी तो मैं उसका मुंह फोड़ दूंगा इस बॉल से। देखो मैं अभी इस बॉल से उसका मुंह फोड़ने के लिए तैयार हूँ। वो पागल सी जैसे ही आएगी मैं इस तरह इसके ऊपर कूदूंगा और इस तरह उसके मुंह पे एकदम तेज से फेंक के उसका मुंह फोड़ दूंगा और फिर वो रोने लगेगी। गोरिल्ले भैया आप क्या उसे सचमुच में रुला दोगे? मुझे तो बहुत बुरा लगेगा, हमारी ईवल नन रोने लगेगी। अरे शिनचैन तुम क्या उस ईवल नन के पार्टी ये हो जो तुम उसकी चिंता कर रहे हो? वो तुमको तो मार के तुम्हारा सर फाड़ देगी और तुम यहाँ पे सीधा ही इस स्कूल में ही रह जाओगे और वो तुम्हें भी अपना नौकर बना लेगी। चलो गाइस जल्दी से इस शवल को लेके चलते हैं और इस शवल से हमें वो खोदना होगा जिस इंसानों को उस ईवल ने जमीन में गाड़ रखा है। हमें उसको खोद के देखना होगा उसके अंदर हमें क्या मिलता है। शायद हमें उसके अंदर से कुछ स्टोन का पीस ही मिल जाए। चलो गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं और जल्दी से इसको खोदना शुरू करते हैं। एक मिनट जल्दी से इसको खोद देता हूँ ये मिट्टी हटा के। अरे डोरेमोन इसके अंदर तो लाशें पड़ी है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये देखो इसने पट्टी से बांध रखी है सबको और देखो पता नहीं गले में भी रस्सी बांध रखी है और पैरों में भी ताकि ये लोग भाग ना पाए। और इसने इस ईवल ने इनको मार दिया होगा और जल्दी से इसे भी खोल देते हैं। इसमें तो बहुत सारी लाशें हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं ये लाशें नहीं खोदूंगा, जियान तुम खोदो। हे नोबिता तुम कितने डरपोक हो, ये देखो मैं कितनी आसानी से इसको खोद ले रहा हूँ। और ये देखो इसके अंदर से हमें किसी की फोटो मिली, पता नहीं कौन है ये। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है इस ईवल नन पे। ये पागल सी ने इतने सारे लोगों को जमीन में गाड़ दिया है और जंग भी लग गई है उन लोगों में पता नहीं क्यों। और जल्दी से इसे खोदते हैं, इसके अंदर से भी हमें कुछ नहीं, ये पता नहीं कुछ अलग सा इसको खोद देते हैं। शायद इसमें ताज़ा किसी इंसान को इस ईवल नन ने जमीन में गाड़ा होगा, हमारी तरह होगा जो आया होगा बट एस्केप नहीं कर पाया होगा। ये देखो गाइस हमें अर्थ स्टोन मिल गया। चलो गाइस जल्दी से लेके चलते हैं और इस अर्थ स्टोन को भी यहाँ पे लगा देते हैं जल्दी से। ये देखो गाइस हमने इसको भी लगा दिया, अब बस हमें सन स्टोन चाहिए। और जैसे ही हमें वो सन स्टोन मिल जाएगा उसके बाद हमें एक और मार्क्स का पीस मिल जाएगा, यानी कि हमें 3rd मार्क्स का पीस मिल जाएगा। चलो गाइस जल्दी से चलते हैं। पर एक मिनट इसके अंदर से जो इसके अंदर से हमें ये अर्थ स्टोन मिला था उसके अंदर से देख लेते हैं ये पैटर्न पता नहीं कौन सा बन रखा है। अरे जियान चाहे पैटर्न कोई सा भी बनाओ, बस तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। चलो गाइस यहाँ पे आ जाते हैं और देखते हैं इसके अंदर। अरे गाइस ये देखो इसके अंदर तो कुछ पैटर्न बन रखे हैं। गाइस मुझे याद आया वहाँ पे भी एक पैटर्न बन रखा था, मैं उसको यहाँ पे बना देता हूँ। एक मिनट ये एल पता नहीं कैसे लिख रखा है इन्होंने। और इसी वंदन ने पागल सी ने पता नहीं क्या यहाँ पे सिस्टम लगा रखा है, पता नहीं कौन सा लॉक है, नंबर लॉक लगा लेती पागल सी। हमें इतना ध्यान से इसको करना पड़ेगा। ओ गाइस ये तो नहीं है, ये नहीं है, ये कोड नहीं है। हमें गाइस दूसरे भी ढूंढने होंगे, पता नहीं कौन सा कोड होगा। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है और डर भी लग रहा है इसी वंदन से क्योंकि यही वंदन हमें मार भी सकती है। चलो गाइस जल्दी से वापस चलते हैं। अरे नोबिता वापस जाने से कोई फ़ायदा नहीं, हमें जल्दी से वहाँ पे जाना होगा और इन सब में से एक एक लगा के देखना होगा कौन सा वाला सही कोड है और जाके हमें तब जाके वो खुल जाएगा। एक मिनट इसको हमने ये लगा दिया, अब देखते हैं ये सही कोड है या नहीं।
अरे डोरीमोन, ये तो सही कोड नहीं निकला, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब कहीं इवल को पता ना लग गया हो कि हमने इसका ये कोड छेड़ा है और वो पागल सी आके हमें सर पे डंडा नहीं, वो सर पे डंडा तो ग्रैनी मारती है, वो तो सर पे हथौड़ा मार देती है और हमारा सर पिचका देती है। मुझे तो बहुत डर लगता है इस इवल और ग्रैनी दोनों से, मुझे बहुत डर लगता है। ये देखो गाइस, मैंने आपसे बात करते करते मैंने ये कोड एकदम सही लगा दिया और हमें ये सनस्टोन मिल गया। चलो गाइस जल्दी से लेके चलते। गाइस मैंने आपसे ये बात करते करते ये सनस्टोन निकाल लिया उस कोड को सही लगा के। तो गाइस आप लोग जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे। गाइस जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दे क्योंकि गाइस अब हम यहाँ से निकलने वाले। तो गाइस हमें ये सनस्टोन भी मिल गया। चलो गाइस हमने ये सनस्टोन भी लगा दिया। अब गाइस बस हमें ये सेफ की लगानी और इसको खोल देना है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं अंदर से कोई भूत ना निकल आए। हे नोविता, तुम भूत से कितना डरते हो, तुम पागल हो क्या? अभी वो इवल नन नहीं आने वाली। चलो गाइस जल्दी से इसको देख लेते हैं अच्छे से, कहीं कोई ऊपर ट्रैप ट्रूप तो नहीं है। पता लगा हमने ये खोला और हमारे सर पे सीधा आके ट्रैप गिर गया। गाइस इसके अंदर कुछ तो है, एक मिनट ये चाबी लगा के और इसको घुमा देते हैं। गाइस इसके अंदर से हमें मार्क्स का पीस मिल गया। ये देखो गाइस हमें मार्क्स का पीस मिल गया, हमें थर्ड मार्क्स का पीस मिल गया। तो चलो गाइस जल्दी से इस मार्क्स को पीस को लेके चलते हैं, बस कहीं ये रास्ते में इवल नन ना मिल जाए जो हमें मार मूर के ये मार्क्स का पीस छीन सकती है। चलो गाइस जल्दी से यहाँ से चुपके चुपके चलते हैं, उस इवल नन को बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए। तो गाइस ये रहा हमारा कमरा, जल्दी से इस दरवाजे को भी बंद कर लेते हैं, कहीं वो हमें दूर से देख के और देख ले कि हम इसके अंदर जा रहे हैं और वो अपनी हथौड़े से इस दरवाजे को तोड़ दे और अंदर घुस जाए। और वैसे भी वो आएगी तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उसको उसका हथौड़ा पकड़ के उसको ही मार दूंगा मैं। अब गुरुले भैया, आप क्या सच में उसको मार दोगे? मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि वो इवल नन ही आपको बहुत ज्यादा मार देगी और आपका मुंह एकदम पागल जैसा कर देगी। हाँ क्या कहा सिंचन तूने, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यहाँ तुम्हें हमारे सिंचन को मारने की कोई जरूरत नहीं है। देखो गाइस हमने ये थर्ड मार्क्स का पीस भी कंप्लीट कर दिया और ये देखो गाइस अब ये पता नहीं कहाँ जा रहा है। मुझे तो ये लग रहा है ये इवलन कोई जादू करती है। ये देखो गाइस वो पता नहीं घील कहाँ उड़ के चलेगी, अब हमें दोबारा से उसको ढूंढना होगा। चलो गाइस हम तो ये ढूंढते रहेंगे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और गाइस इस वीडियो पे लाइक कर दे। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।